Hello students. I hope you all are doing good. Let's start today's chapter fractions. Focus points: whole, fraction, numerator and denominator, and finding a fractional part of a number. Think about the given situations. Give me half of this chocolate. Acha is chocolate half next student is saying we spend one third of our day in school. hum school may apne then ka one third with other okay. and i'll have one fourth of this pizza or we can ki shaki is pizza ka one fourth lunga. right. one half, one third and one fourth are so special terms used in the sentences given above. all these terms that mean equal parts of a thing are called fractions.

उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ओके okay, तो अब ये क्या हो गया हाफ और ये भी हो गया हाफ ओके पार्ट पार्ट्स जब किसी होल को हम थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें इस तरह से ओके okay, तो ये क्या हो गया वन थर्ड पार्ट ओके इसका मतलब कि वन आउट ऑफ थ्री इक्वल पार्ट और को लिखते हैं, Next, parts, quarter, जब एक को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है तो हर पार्ट हो जाता है आपका वन फोर्थ यानी कि वन आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट्स और वन फोर्थ को कैसे लिखा जाता है वन बाई फोर ओके होल इज डिडेड इक्वल पार्ट ई पार्ट इज कॉल्ड ऑफ फाइव इक्वल पार्ट अब एक पूरे होल को डिवाइड करना है फाइव इक्वल पार्ट में राइट right? तो इसका जो हर पार्ट है यह आपका हो जाएगा वन फिफ्थ पार्ट यानी कि वन आउट ऑफ फाइव इक्वल पार्ट ओके वन सिक्स When a whole is divided into six equal parts, each part is called one sixth, which means one out of six equal parts. अच्छा one sixth का मतलब क्या होता है कि जब एक whole को हम divide करते हैं six equal parts में okay? और हर part आपका होगा one sixth मतलब one out of six equal parts. Similarly, we have one seventh, one eighth, one ninth, one tenth and so on. Okay? Exercise देखते हैं नंबर वन कलर वन हाफ पार्ट ऑफ ईच फिगर आपको ना वन हाफ पार्ट करना है यानी जितना भी इक्वल पार्ट का एक पार्ट टू पार्ट्स में डिवाइडेड है ओके तो जैसे कि ये पार्ट है इसका इसको आप कलर कर देंगे आप इस पार्ट को कीजिए इस पार्ट को दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस ओके इसी तरह से इसमें देखिए इस पार्ट को कलर कर दीजिए वन हाफ इस तरह से ओके चिल्ड्रेन अब जैसे ये आपका एज बना है तो आप इसका कैसे करेंगे इसका हाफ पार्ट इधर आप इस ऐसे कर सकते हैं या फिर आप ऐसे कर सकते हैं ओके, बट हाफ पार्ट को ही आपको काला करना है सम मोर सी सम मोर एग्जाम्पल ऑफ पार्ट ऑफ होल। ओके आपके पास एक फिगर गिवन है थ्री पार्ट्स आपके शेडेड हैं, जबकि आपके टू शेडेड नहीं है अनशेडेड पार्ट्स। ओके तो शेडेड पार्ट्स। थ्री पार्ट्स आउट ऑफ फाइव इक्वल पार्ट्स ओके तो इसका फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे देखिए टोटल पार्ट्स हैं आपके पास फाइव जिसमें से शेडेड पार्ट है थ्री ओके okay, तो इसको हम बोलते हैं थ्री फिफ्थ इसी तरह से नेक्स्ट फिगर में आप देखिए यू हैव फाइव पार्ट आउट ऑफ सिक्स इक्वल पार्ट दैट मीन फाइव आउट ऑफ सिक्स इसे हम लिखेंगे फाइव सिक्स नेक्स्ट हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर पार्ट्स जिसमें से आपके फोर कलर्ड या शेडेड हैं आपके ओके तो शेडेड पार्ट्स जो जो है पार्ट्स आउट ऑफ़ करते हैं थ्री इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ थ्री पार्ट्स आउट ऑफ एट इक्वल पार्ट्स ओके तो दिस इज थ्री एट एंड नेक्स्ट वन इज सेवन पार्ट्स Out of twelve, so seven twelve. We will Okay. Next, nine parts out of ten equal parts, Any yani nine tenths. And next is eight parts out of thirteen equal parts, eight thirteens. Okay. Next, numerator and denominator. A fraction is made up of two numbers. देखिए आपने देखा कि फ्रैक्शन दो नंबर से बना होता है है ना फॉर एग्जाम्पल टू इज एंड द अपर नंबर ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द लोअर नंबर ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड इन नॉमीटर अच्छा देखिए ये जो आपका नंबर है ये दो पार्ट से बना है दो नंबर से बना आपका फ्रैक्शन एक बार है बार के ऊपर एक नंबर है एक नीचे नंबर तो जो अपर पार्ट है यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज कॉल्ड न्यूमीरेटर न्यूमीरेटर एंड जो नीचे वाला पार्ट होता है वो आपका होता है डिनिनेटर सो फ्रैक्शन हमेशा होता है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इन टू बाई फाइव टू इज न्यूमिनेटर एंड फाइव इज डिनटर अगर हम इस फ्रैक्शन की बात करें तो टू न्यूमिनेटर है एंड फाइव आपका डिनोमिनेटर है ओके मैट फैक्ट न्यूमिनेटर टेल्स ऑफ पार्टी टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट इन द होल और कलेक्शन जो न्यूमिनेटर है ना वो हमें बताता है नंबर ऑफ पार्ट जिसको हम रेफर कर रहे हैं

वन टू थ्री फोर फाइव तो फाइव बाई एट ओके इसी तरह से इसमें देखिए कितने पार्ट्स हैं आपके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट पार्ट्स आपके टोटल हैं कितने कलर्ड हैं टू ओके चिल्ड्रन इसी तरह से आपने इन सबको करना है इनके फ्रैक्शंस लिखने हैं ओके फाइंडिंग अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ नंबर To so find Find the 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 fractional part of 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 a given number, divide the number divide by 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 denominator fraction, fraction. and then the quotient obtained must be multiplied by the numerator of the fraction. Example: 1 3 27. फाइन आपको ना किसी ऑफन नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है आपने नंबर को डिवाइड करना है उसको मल्टीप्लाई कर देना फॉर एग्जाम्पल आपको दिया वन बाई थ्री ऑफ

फोर एंड देन फोर को आपने क्या करना है आप इसे देखिए ओरली भी कर सकते हैं हाफ सिक्स का हाफ कितना होगा देखिए थ्री एट का हाफ कितना होगा फोर टेन का हाफ कितना हो गया फाइव एंड ट्वेल्व का हाफ कितना होगा सिक्स बट अगर आप इसे करेंगे तो देखिए हाफ ऑफ सिक्स हाफ ऑफ आपके पास जो सेकेंड पार्ट था हाफ ऑफ एट ओके अब हमें ओवरली तो पता है सिक्स का हाफ तो थ्री होता है फोर का हाफ एट होता है कैसे निकालेंगे देखिए इसे सिक्स को जब आप डिवाइड करेंगे टू से आपका आंसर आएगा थ्री फिर थ्री को आपने मल्टीप्लाई करना है वन के साथ सो थ्री इंटू वन इज इक्वल टू थ्री सिमिलरली एट को आप डिवाइड करेंगे टू से तो ये आंसर विल बी फोर एंड फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर विल बी ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको ये फ्रैक्शन समझ आया होगा और इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे